असलम योर वॉशिंग द सलीम बुखारी शो दिस इज़ मी फ़ा रज़ प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले तो कंडेम करेंगे और हमेशा दहशत गर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं भरपूर तरीके से पूरी पाकिस्तानी कौम मजम्मत मजम्मत करती है हम भी अपने इस प्र, प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मजम्मत कर रखे हैं जो अफसोसनाक वाक्य पेश है शांगला में पूरी चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ चाइनीज़ अवाम के साथ अगर हम कहते हैं कि पाकि चीन दोस्ती ज़िंदाबाद तो अमली तौर पर हकी मायनों में हम मानते भी हैं कि यह दोस्ती वाकई मज़बूत है और सी पैक और जो खटकता है ना जिनकी आंखों को वो ये चाहता है कि सी पैक जो है वो कामयाब ना हो और पाकिस्तान में जो तरक्की आनी है और जो चाइना के साथ हमारी दोस्तियाँ हैं वो आगे ना बढ़े जिसकी वजह से इस किस्म की हरकतें की जाती हैं और जो अफसोसनाक वाक़ पेश आए कुछ धमाका पाँच चीनी बाशिंदे जो है, वो इस अफसोसनाक वाक़े में हलाक हुए हैं वज़ी अज़म की जानब से पूरी तमाम सियासी क्यादत की जानब से वजीर दाखिला की जानब से भरपूर तरीके से मजम्मत भी की गई है इस वाक़े की और दूसरा जो वाक़ पेश आया है नेवल बेस पर जो जमला करने की कोशिश की गई है चारों के चारों दहशत गर्दों को मार गिराया है यह है हमारी फोर्सेस जो कि हम वक्त तैयार है आगे चलकर हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक बार फिर से कह रहे हैं कि हम दोस्त ममालिक हैं और जब हम उनकी तरफ देखते हैं अभी कशकोल लेकर भी नहीं जाती तो वो समझते हैं कि कशकोल इन्होंने बगल में रखा हुआ है हम क्या करें कर्जे ना ले तो कर्जे के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता है फिर से वो सब कुछ कर रहे हैं इमरान खान के पासिंग रिमार्क्स हैं कुछ गिले शिकवे हैं उनके चेयरमैन ओगरा वो ये कहते नजर आते हैं कि अगर टैरिफ ना बढ़ाएं तो फिर क्या करें क्योंकि गैस की जो कंपनियां वो बंद हो जाएंगी और लास्ट में साथ गजा की से। लेकिन सबसे पहले बुखारी साथ जो अफसोसनाक वाक आया मजम्मत कर रही है सहूलत के अंदर मौजूद हैं उनको किस तरीके से काबू किया जा सकता है किस वजह से हो रहा है किसने किसनेज किया है कौन इसका जिम्मेदार है थोड़ा ताकि हम अपने नाजी को समझा पाए पहले हम इन वाकयात का कर लेते हैं। साथ पिछले चौबीस घंटे में दहशत गर्दी के तीन बड़े वाकत हुए हैं जी। जो एक ऐसी हाल को सामने ला रहे हैं कि जिसका फिलफौर अगर तदारक न किया गया तो हमारे पास स्वाब पछताने के कुछ नहीं बचेगा एक बात तो ये होगी दूसरी बात ये कि हमने देखना यह है कि ये जो कुछ हो रहा है या जो लोग कर रहे हैं इनके पीछे कौन है हुँ. मुझे तो खैर वो आईने की तरह दिखाई देते हैं पता नहीं हमारे हुकूमत को और हुकूमत के अहलकारों को वो नजर आते हैं कि नहीं आते हैं इसके पीछे भारत है इसके पीछे इसराइल है इसके पीछे अमरीका है और इसके अंदर कुछ दोस्त मालिक भी है मुस्लिम का लफज डिलीट कर रहा हूँ हाँ अच्छा। हाँ, वो मेरा नहीं ख्याल के उस, उसको क्वालिफाई करने की जरूरत है सब समझते हैं क्योंकि पैक से किसके पेट में मरोड़ उठेंगे किसका नुकसान होगा ये सब लोगों को पता है अरे भाई अफगानिस्तान हमारे साथ है अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को पहचाने राइट पहचानना तो दोस्तों को भी चाहिए लेकिन उसके उस, उन्हें पहचानने में हमने हमेशा गलती की, है। की। है। तो दुश्मनों को अगर हम नहीं पहचानेंगे तो नुकसान होगा दूसरी तरफ चीनी बाशिंदों को टारगेट करना जो है वो भारत के जो सबका कौमी सलामती के मशीर हैं अजीत उन्होंने एक सेल बना रखा है जिसकी सालाना फंडिंग जो है वो एक बिलियन डॉलर है ये वही सेल है जिसके तहत कलमोशन जो है वो

आपके तो मुंह को ताले लगे हुए हैं आप तो ऐसे लगता है जैसे आपके मुंह में जबान ही नहीं है एनी anyway, ये बहुत दुखी दिल से मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ ये जो ये जो बागी ब्लोच दहशत गर्द हैं ये सारे पेड मुलाजिम हैं उसी सेल के और रॉ के एक दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि ब्लोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये लोग जो ये कार्रवाई की जिम्मेदारी उठाते हैं मैं द के दिल से और संजीदगी से ही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप का पाकिस्तान की हुकूमत का उनको नाम लेके कंडम ना करना इंतहाई और बेहसी का मकाम है

कि इन्हीं लोगों के अंदर से एक बड़ी तादाद जो है वो इन दहशत गर्द तंजीमों का हिस्सा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसके दुश्मन मालिक में बैठ के ट्रेनिंग्स ले असला ले डॉलर ले के, ये अपनी कौमियत बेच रहे हैं ये अपनी पाकिस्तानियत होने के पैसे वसूल कर रहे हैं और पाकिस्तान को ब्लीड करा रहे हैं इसके बारे में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इनका नस्लें मुका देनी चाहिए मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान को ब्लीड करा रहे हैं जो पाकिस्तान में इस तरह के वाकत करा रहे हैं उनकी नस्लें खत्म कर देनी चाहिए लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को सीरियस एक्शन लेने चाहिए। आज न? मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हूँ मुझे कह ना दीजिएगा एक तो आपकी तलवार बड़ी सर पर मेरी लटक होती है कभी आप इशारों से मुझे कहती है ब्रेक लेनी ब्रेक लेनी बस कर दो एनी अब आ जाइए जनाब आगे सवाल यह है के बावजूद इतनी कुर्बानियाँ देने के हमारे जो लाइन फोर्सेज हैं हमारे जो मुसल्ह फाज के लोग हैं उन्होंने बड़ी तादाद में आठ से दस हजार तक शहीद हुए हैं फौजी हमारे बाकायदा वो इनके सहूलतकारों को इनके स्लीपर सेल्स को ख़त्म क्यों नहीं करते उस एक वाक्य के बाद उसकी कंडमनेशन के बाद हम खामोशी क्यों इख्तियार कर लेते हैं हाँ। हमने क्यों खामोशी इख्तियार की ए पी एस के वाके के बाद हमने क्यों खामोशी इख्तियार की एक बहुत तवील अरसे तक इतने वाकयात के बावजूद अब मैं थोड़ा सा हमें आज हकैक सामने लाने हैं जी 2014 से लेकर 2018 के बीच इन दहशत गर्दों के खिलाफ बहुत खौफनाक ऑपरेशन हुए थे जिनमें ऑपरेशन रद्द अजब जो है वो 15 जून दो हजार चौदह को लॉन्च किया गया था और रद्दुल फसाद 22 फरवरी दो हजार में इनका ऐसे लगता था ढूंढने से नहीं मिलेंगे ये लेकिन फिर महात्मा साहब की हुकूमत का आना था ये सारे ये सारे ऑपरेशन भी वर्डन हो गए सी पैक के ऊपर काम भी रुक गया और इन तमाम कुतों को मौका मिल गया रीग्रुप करने का अच्छा री एनफोर्स असला लिया और सदके चले जाए उस हुकूमत के जिन्होंने ला ला के उनको अफगानिस्तान से पाकिस्तान के इलाकों में बसाया जेलों में जो लोग सजाएं भुगत रहे थे उनको प्रेजिडेंशियल पार्डन के तहत वापस भिजवाया और वो वापस फिर उन्हीं ग्रुप्स में शामिल होकर आ गए तो किसे किसे वकील करें किससे उनसे चाहें दुश्मन तो जो कर रहा है उसके साथ निपटा जा सकता है लेकिन जो अंदर बैठे हुए कर रहे हैं उनके उनके उन, उन, उनका क्या करें उनका मातम करें उनका नोहा पड़े उन पर फटकार भेजें भेजें कि क्या करें ठीक हो गया जी आगे आ जाइए जनाब हमें यह बताया जा रहा है नेवल के ऊपर तो देखिए एक तो अल्लाह तला का शुक्र ये है कि किसी भी बड़ी तनसीब पे बहुत सारे हमले हुए हैं अगर आपको याद हो कराची के अंदर तीन वाक़त हुए इस्लामाबाद में दो वाक़त हुए जी एच क्यूज के गए हुआ, हुआ। फिर गवादर में हुआ लेकिन कहीं भी वो मच जेल में अगर आपको याद हो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ लेकिन कहीं भी उन्हें कामयाबी नसीब नहीं हुई ये इसका क्रेडिट अगर हम अपनी मसलवाज को न दें तो बड़ी ज़्यादा होगी ये मेरे ख़्याल से उनका उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि ये पनप नहीं पाए हैं ये पाकिस्तान की किसी सरजमीन पर कब्जा नहीं कर पाए हैं इन, इन, इन इनको हर हाल में नाकामी हुई है, so, है दरअंदाजी है। है। जो है ये भी अलार्मिंग है मेरे ख्याल से मुझे हमें बताया तो जा रहा है कि जी वो क्लीनिंग ऑपरेशन हो रहा है कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए

तो दुख में इजाफा ही होगा इसलिए कि ये लोग बहुत अहम होते हैं जो अपना मुल्क छोड़ के, चोड़ के हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अहम और काबिल एहतराम है इनके साथ साथ एक सिपाही शहीद हुआ है ने, 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 नेवल बेस पे और एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, था चाइनीज की वो भी तो ये सारे वाकयात अब बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं वी आर लूजिंग आर पेशेंस हम मुतालबा करते हैं आर्मी चीफ से हम मुतालबा करते हैं प्रेजिडेंट पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से इंटीरियर मिनिस्टर से ज़ीरो टॉलरेंस अगर आप नहीं अपनाएंगे तो ये अंसर कहीं ना कहीं से सार उठाते रहेंगे और पाकिस्तान को ब्लीड कराते रहेंगे खुदारा वॉर फुटिंग पर एम जंगी बुनियादों के ऊपर इसके तदारक के लिए का, काम करें ये आई एस पी आर की प्रेस लीज में जो कहा गया है कि पूरी कॉम जो है वो चीन

ये दोस्ती तो कायम रहेगी और हम अपने दुश्मनों का कला कमा करेंगे करने की पोजीशन में हैं कर सकते हैं हमारी अफवाज किसी किस्म की कुर्बानी से दरे नहीं करती हैं आज के इस दिन हमने मुतालबा कर दिया है मेरे ख़्याल से जो ये ऊपर तले तीन हुए हैं चौबीस घंटे के अंदर इसने हमारे जो ला इनफोर्सर हैं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो हमारे सलामती के यानी

वो कहते थे कि वी आर स्टूडेंट ऑफ वी आर नॉट स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री यस वी आर स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड वी ओनली नो दीस आर आवर लाइंस एंड वी हैव टू डिफेंड देम वी हैव टू डिफेंड देम यस एंड देन दे हैव टू डिफेंड देम बिल्कुल ठीक हो गया एंड फेयर इनफ बहुत अच्छे से बखुरी साहब आपने ब्रीफ कर दिया सबसे पहले तो जो एक्सीलेंसी जो हाई टैक्स पेयर हैं उनकी जो अवार्ड सैरमनी हो रही थी उसमें वजीर अजम शहबाज शरीफ ने टैक्स पेयर्स के हवाले से बड़ा अप्रीशियेट किया वजीर ख़ज़ाना भी उसमें मौजूद थे ब्लू पासपोर्ट दिया गया है और एजाजी सफ़ीर के तौर पर तैयन किया जाएगा उन तमाम लोगों को जो कि सबसे टैक्स पेयर थे लेकिन बुखारी साहब इस तकरीब में जब शहबाज शरीफ सब खिताब करे थे आपने भी देखी उनके स्पीच वो फिर वही कशकोल वही जिक्र उधार मांगने का वही जिक्र कर्ज ले के आगे तरक्याती मंसूबे लगाने का कर्ज ले के बाकी पिछले कर्ज उतारने का वही जिक्र था जो सोलह माह की गवर्नमेंट में था। मुझे बहुत अजीब सी हैरत है कि मुल्क का एलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब इस तरह की गुफग करने पर तुल जाए तो या तो लगता है कि वो बिल्कुल मफलूज हो गई है हुकूमत हुँ। उनके बस में कुछ नहीं है हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है स्कूल हमारी बगल में होता है हमेशा हमने देखा है कि आप यही करते रहे हैं और इसीलिए आपका कोई मसला हल नहीं हो रहा है जिन दोस्त ममालिक आपकी मदद की उन्होंने जुल्म किया पाकिस्तान की अवाम पे क्योंकि अच्छा। हम आदली हो गए उस कशकोल के हम आदली हो गए उस भीख के ये अब जो इंडिया उन्होंने दिया है वो भी एक तरह से कशकोल फिर से लेके जाने का अमल जो है वो दोबारा जारी करने वाला है देखिए बात यह कि अगर आप एक और प्रोग्राम चाहते हैं आई का जो कि जो कि आप ठीक कहते होंगे कि बहुत बड़ी जरूरत है तो फिर इसके लिए तैयार हो जाएंगे वो अपनी कंडीशंस पर देगा वो अपनी टर्म्स पर देगा आपको इसका मतलब ये है कि आप आपनी तौर पर अवाम को मजीद बर्बाद करने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप तैयार कर रहे हैं नहीं आप देखिए पहला जो प्रोग्राम जो शॉर्ट टर्म था उसका देख लेना क्या हाल हुआ है सोलह महीने की हुकूमत की इन्होंने गालियां खाई और अगर ये आई एम एफ हो गया और जिस तरह की रिकवरी की वो बातें कर रहे हैं इनसे टैक्स नैक्ट कोई नहीं बढ़ना यू सी इफ वर ओनली बढ़नाश इज हॉर्से ठीक है ना अगर खाशात से thing. काम हो तो घोड़सवारी सिर्फ जो है फकीर ही करेंगे yeah. किसी मेरे जैसे आपको हैविंग सेड दैट ये बहुत शर्मनाक बात है hmm. कि हम न्यूक्लियर पावर हैं hmm. हम 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है hmm. और हम कुछ हमारा प्राइम मिनिस्टर अब भी कुछकोल की बात करता है ठीक है जी दूसरी बात यह है कि नवाजशीफ साहब जिनसे बहुत तवक्कात थी उनका लोगों का ख़्याल ये था और मैं ईमानदारी की बात अगर कहूँ तो मेरा भी ख़्याल ये था कि वो अब आए हैं वो इस हुकूमत के पीछे बैठे हुए हैं वो मैंटोर हैं वो एडवाइज़र हैं वो हर चीज़ उनके हुक्म से हो रही है तो शायद ये कशकोल वशकोल की बातें नहीं करनी पड़ेंगी वो तो मरियम नवाज के पीछे है ना मरियम नवाज के साथ साथ एक भाई और बेटी अलहदा नहीं है अब वो कह रहे हैं कि दो साल मुश्किल रहेगी फिर आसूदगी हो गई वो कहते हैं ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक हैविंग सेड दैट देखिए गुजारिश ये है कि मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ भी है और मैं बर्मला कह भी रहा हूँ मैं कहने से तो रुकता नहीं हूँ मैंने कभी यह सोचा नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त चूंकि पहली दफा अस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है एक पेज पर नहीं है पार्टनर्स है अच्छा

जिन सहूलियात का ऐलान किया।, है, एलान किया है। वो मैं समझता हूँ कि बहुत खुश कुन है तो जो चेयरमैन कह रहे हैं वो खुश कुन नहीं है। वो या? मैं उस तरफ अभी आता हूं। एक जुमला मैं और कर रहा उसके बारे में देखिए यकीनी तौर पर ये जो बिजनेस लीड है ये हमारे एम्बेसडर्स पर उनके पास ब्लू पासपोर्ट होना चाहिए राइट यकीनी तौर पर उनको ऑनररी एम्बेसडर का दर्जा मिलना चाहिए राइट प्रोवाइडेड वो भी अपनी हंड्रेड परसेंट कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ कर दे ठीक है जो कि जो कि इम्कान है सर यही तो बिग फिशेज हैं जो कि सारा डिसीजन मेकर्स में होती हैं। इन्होंने तो आगे टैक्स को मजीद आगे तक बढ़ाना है ना वरना सैलरी क्लास तो ऑलरेडी टैक्स दे रही है बिल्कुल ठीक ये देखें वो तो एक क्लास है जिसको आप तौलिया गीला करके निचोड़ने की तरह से जब मर्जी निचोड़ लें हाँ। लेकिन आप उस टैक्स नेट को एक्सपेंड करने में नाकाम रहे हैं चाहे वो हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी चाहे वो हुकूमत नून लीग की थी चाहे वो हकूम खान साहब की थी किसी की भी थी right. ये इन सब ने यही एक काम नहीं किया और यही वजह है कि हम जीरो पॉइंट पे खड़े हुए हैं हु कि अब आ जाए आप वो जो ओगरा की तरफ बढ़ने से पहले मेरे हाल पी आई की बात अगर ये अच्छी तरह से बहुत पहले की बात याद है वो अपने नवाबाद रहमतुल्ला साहब जिंदा थे तब और तब पीआईए का हाल भी इतना बुरा नहीं बुरा था नहीं। लेकिन निजकारी की बात हो रही थी चूंकि वो भुट्टो की पॉलिसी थी हाँ नेशनलाइजेशन की तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि देखिए कोई भी इकोनॉमी घर के बर्तन बेच के ठीक नहीं होती तो आप देखिए क्या तारीखी जुमला था उनका और दूसरी बात यह है कि अगर ये तय हो गया है कंसेंसिस है इस पर कि निजकारी होनी है तो खुदा के लिए इन प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन को चाहे वो पाकिस्तान स्टील मिल है चाहे वो पी है चाहे वो कोई भी इधारा है चाहे वो रोज बेल्ट होटल है तो उनको आप पोनो अपने फ्रंट मैनों को ना बेचिएगा इनके साथ जनाब आपके फेवरेट चेयरमैन ऑगरा की तरफ चेयरमैन ऑगरा कह रहे हैं बढ़ाया किस ढिटाई से वो ये बयान दे रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है मैं उनसे सवाल करता हूँ चेयरमैन साहब जब आप नहीं थे जब आपका वजूद नहीं था जब साल में एक दफा बजट में कीमतें बढ़ा करती थी और मिनिस्ट्री चलाती थी उस वक्त yes. उस वक्त ये आप जैसे जो आप इंजॉय कर रहे हैं ये नहीं थे आप ये बताइए कि आपने किया क्या है हुँ. गैस की एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ किया आपने? हुँ. जीरो, एक रंग तक तो खरीदी नहीं मिल रहे बिजली के पेट्रोल के लीटर उन्हें नहीं मिल रहे फ्री के, 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 रहे, फ्री के गैस यूनिट्स उन्हें नहीं मिल रहे ये जीरो थोड़ी है, ये सब कुछ उनके उनके सब मेम्बर के लिए प्लस है मेरे और आपके लिए जीरो प्लस प्लस है ना दूसरी बात यह है और दूसरा ये वो कह रहे हैं हम ये बेहतरी के लिए बढ़ा रहे हैं और दूसरी बात एक और जो मैं कहना चाहता हूँ ये तो मैं इससे तफफाक नहीं करता ये बेहतरी के लिए कभी नहीं होता कीमत जब बढ़ती है वो बेहतरी नहीं करती वो तबाही करती है डाउन द लाइन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना दो रुपये पाँच रुपये छः रुपये गैस पर यूनिट बढ़ जाने से गरीब आदमी को बहुत फ़र्क पड़ता है दूसरी बात देखिए गुजारिश ये है कि आप आगे, आगे बढ़े मैं सिर्फ आपको ना वो शबाज शरीफ और जो आज जरदारी साहब की मुलाकात हुई है ना मैं चाहूंगी कि हम अपनी स्क्रीन पर भी वो मुलाकात का अहवाल दिखाएं वो जरा यानी आप मुझे मुलाकात भी, मुझे भी, भी कर रही हैं नहीं, नहीं, है। नहीं मुलाकात देखिए देखिए मुलाकात देखने से पहले एक शेर सुन लीजिए आप जी जी जफर इकबाल साहब कहते हैं कि कुछ तो मैं चादर से बाहर पाऊँ फैलाता नहीं और कुछ उसने भी है औकात में रखा हुआ ये जो मुलाकात है ये रिफ्लेक्शन है कि हाउ प्रेसिडेंट जरदारी ट्रीट्स शबाज शरीफ आप उनको अपने प्राइम मिनिस्टर्स को जरा रिसीव करते हुए देखिए और उनके साथ देखिए किस ऑनर से पेश आया जा रहा है ये सब कुछ जो है ये इसलिए है ये यूसुफ रजा को मिल रहे हैं ये, ये राजा तो परवेज अशरफ छोड़ देना वो कुछ कहने की जरूरत नहीं सबको पता है कौन है ठीक है और इनके साथ जो सलूक है वो भी आप देख लीजिए गुजारिश ये है कि जब आप हुकूमत करने में जल्दबाजी का मुजहरा करेंगे आप किसी भी कीमत पर हुकूमत करने के लिए तैयार हो जाएंगे फिर आपका यह हाल होना बहुत जरूरी है डिस्प्रेशन ठीक है डिस्प्रेशन एप्सोलूटली डेस्प्रेशन लेने का अब जो रोने रो रहे हैं hmm. एक प्लान और लेना पड़ेगा ये करना पड़ेगा कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी तो आपको किसे ने कहा था कि यह शौक़ पूरा करें जरा ठहर जाते हैं ना पी टी आई को कर लेने देते ना हुकूमत ये अगर आप कभी एनालिसिस करेंगे ना तारीख के स्टूडेंट के तौर पे तो आपको ये हुकूमत लेना और 16 महीने की पीडीएम की लेना ये मोस्ट याद रखिए लेकिन देखिए जिम्मेदारी से कह रहा है उसके बगैर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे देखिए उसके बगैर बन सकते नहीं कहा ना कि, ना कि अगर सिर्फ शौक झंडा लहराना और उसके आगे जो है वो धूतू बजाना है तो यही फिर यही ये, ये होगा एक पूरा मुल्क आपके स्टैंड बाय पर है आपकी कुर्सी के है आपके एक फोन पे पूरा मुल्क स्टैंड बाय है तो ये एंजॉयमेंट होती है है इस शेयर की बस ठीक एंजॉय कीजिए और लोगों से ये कितनी देर तक इंजॉयमेंट सुबह से शाम मुझे नहीं लगता कि ये कश्ती तोड़ तोड़ पहुंचेगी ये अगर इसी तरह के फैसले हुए इसी तरह की बेहसी रही आवाम के मसाइल के साथ तो ये ज्यादा देर किश्ती मुझे चलती दिखाई नहीं देती इसके चलने की सिर्फ एक वजह है इसलिए कि फौज या एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत एक पेज पे हैं दुश्मन कॉमन है यस ठीक yes, अगर हो गया। इस वजह से ये पूर, पाँच साल पूरे कर दे तो मैं कह नहीं सकता अदरवाइज right. अगर इनके फैसलों पर दारोमदार है हाँ। इनकी पॉलिसीज पर दारोमदार है तो हमें क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है हमें पता है कि इस सेगमेंट में बहुत कुछ था क़ा की सूरत हाल की बात करें तो बुखारी साहब सब सबसे पहले तो वो वीडियो जो कि वहाँ पर रहने वाले गजा के पट्टी में रहने वाले आ, उनको दी जा रही है पैराशूट के जरिए इमदाद और समंदर से जाकर वो पकड़े हैं उसका जिक्र करेंगे और दूसरा अमेरिका ने जो करारदादा को विटो नहीं किया है सलामती काउंसिल की और उसके बाद इसराइल बड़ा ना है नितिन याहू अब अमेरिका से सब दे रहे हैं आप कह रहे थे ये ड्रामा है मुझे गेम समझा कन्विक से कहता हूँ ड्रामा है हाँ और ये सिर्फ चूँकि फेस भी तो दिखाना ना बाकी दुनिया को क्या कर रहे हैं बट सर वहाँ की गां की आवाम इतना ज्यादा उस, उसी का मुंह बंद करने के लिए ये छोटे मोटे इकदाम किए गए हैं मैं तफसी से इसको बताता हूँ पहले हम बात करने वो जो आ रही है। की जिस तरीके से वो इमदाद फलस्तीन के लोगों तक पहुँच रही है हाँ। हम तो, तो करेंगे कि हमारे प्रोड्यूसर साहब उसकी वीडियो भी दिखाए उनको वो मुंह चढ़ा रही है पूरी इंसानियत का हाँ। पूरी दुनिया का मुंह चढ़ा रही है कि इतना अपहज कर दिया एक छोटे से इसराइल ने जो एक इलीगल नाजायज औलाद जिसको कहते हैं वो है कि पूरी दुनिया मजबूर है कि कोई आदमी उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता गजा के अंदर और समुंदर के पानियों से उठा उठा के ये लोग खुराक की, इस, इस की तमाम पावरफुल मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ कि ये मुंह चढ़ा रही है पूरी इंसानियत का पूरी इंसानी जमीर का मैं कहती हूँ ये भी शुक्र है कि इन्होंने पैराशूट्स पर कुछ फायरिंग नहीं करती है काउंसिल में कर्दाद के मंजूर होने के बाद यह है वो जो अहमक लोग कह रहे हैं जी, जी, है, तो है है, no, इसराइल है, का ब्लॉकेट कर सकते है. लगा इसको हैं इसको बुनियाद बना के पूरी दुनिया उसका सोशल बाइकॉट कर सकती है उसका इकोनॉमिक सेंक्शन लगा सकती है लगाए अगर ना लगाए तो इनका फिर सिर्फ मातम किया जा सकता है गालियाँ दी जा सकती मैं तो कहता हूँ इनको गालियाँ देनी चाहिए दूसरी बात यह है गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं तो अब भी धमकी लिया कि अगर इसराइल ने इसके बावजूद भी रफा पे हमला किया तो ये नाकबले माफी जुर्म होगा वो बेचारा तो कह रहा है लेकिन ये जो गूंगे बहरे ये जो वर्ल्ड की लीडरशिप है ये जो मामे बनते हैं जो परमानेंट हैं चाइना ने रशिया ने बहुत कोशिश की लेकिन अमेरिका ने एक नहीं चलने दी उनकी तो मेरा ख्याल से ये ये कहना कि यानी अमेरिका ने का ये कहना कि जी अगर रफा पे हमला किया गया तो इसराइल की सलामती को खतरा दो चार हो जाएंगे ये वो मीठी गोलियाँ हैं जो अपने अवाम के प्रेशर से बचने के लिए दी जा रही हैं और ये जो नितन याहू ने मुशीरों को और वजीरों को मना कर दिया है अमेरिका का दौरा करने से बड़े गुस्से में आ आगे देखिए मुझे आप ये बताइए कि उस डेलीगेशन के ना जाने से अमेरिका का कौन सी रोटी हजम नहीं हो रही जनाब उनको क्या फर्क पड़े डेलीगेशन हर वक्त वो दौरा कर रहे होते हैं और ये तो, तो फैली है, है कि वहां पर जीव की मोनोपली है बिजनेस है कांग्रेस में मोनोपली है सेनेट में मोनोपली है वो अपनी जगह है लेकिन दैट मीन दैट दैट इज ए लाइसेंस टू किल नो इट्स नॉट दूसरी बात राइट मैं आपको एक बात बताऊं कहते हैं ना कि ऑलवेज इज समथिंग जो नेचर जिसको स्पॉन्सर कर रही होती है इस्माइल हानिया जो हैं जी जी उनका ईरान का दौरा हाँ जी शुड नेवर बी टेकन नॉन सीरियसली अच्छा देर इज समथिंग टू हैपन माइंड माई वर्ड्स इसलिए कि जब आपके पास कोई चारा नहीं रहता जब आप बिल्कुल चारों तरफ से यानी जकड़ लिए जकड़ लिए जाते हैं तो फिर डू एंड डाई की स्टेज आ जाती है और जब डू एंड डाई की स्टेज आती है तो फिर ये कोई नहीं सोचता कि इसका इंजाम क्या होगा अगर ये सूरत हाल हिजबुल्ला के लिए और हमास के लिए आ गई ईरान मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूं के पीछे नहीं रहेगा और अगर ईरान इस जंग में शामिल हुआ तो इसराइल को नानी आ जाएगी याद ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि गुरिला वारफेयर हो चाहे कन्वेंशनल वारफेयर हो वो ईरान और ईरानी नेशन इज़ वॉर हार्डन उन्होंने दस साल तक तो जंग लगी लड़ी आ, आपको पता है के स्टेट वाले जो है, के वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा होते हैं ना तो दूसरी बात ये कि उनके जो पासदारान हैं उनके जो बसीज है बसीज का मैं थोड़ा सा तारफ करा दूँ मुख्तन बसीज वो लोग हैं जो 18 साल की उम्र में मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं और फिर अपने अपने काम से लग जाते हैं वो यहाँ पर एक पट्टी लगी हुई होती है उनके जहाज फी सभी ये कोई 55 लाख के करीब है जो मुकम्मल ट्रेंड, ट्रेंड और ट्रेंड। पूरे असलों के ऊपर उनकी तैयारी हो चुकी हुई है एक कॉल पे चार घंटे के अंदर अंदर तमाम ये जो बसीज के लोग हैं ये अपने अपने सेंटर्स को रिपोर्ट कर देते हैं राइट तो अल्लाह ना करे कि ऐसी स्टेज आए कि ईरान को कूदना पड़े इस जंग में लेकिन अगर ये हुआ राइट तो फिर हम देखेंगे कि इसराइल भाई जाते कहाँ हैं बिल्कुल ठीक है लेकिन सर क्विकली मुझे ब्रेक पर जाना है सिर्फ वन लाइनर कहिएगा क्या अभी भी हमारे वो इस्लामी ممالک सैंक्शंस लगा सकते हैं एक तो इतनी ये कि आपने ये कह के कि मैंने अभी ब्रेक पे जाना है मैंने मतलब क्लोज करना है प्रोग्राम प्रोग्राम फाइंड अप करना है सर मैंने मैं चाहती हूं कि अगर सिर्फ मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफार्म पे आ जाए यस और फैसला कर लें कि हमने فلسطین को बचाना और इजराइल से मुकाबला करना है ये फैसला काफी होगा मैं आपको बता रहा हूं लेकिन अभी तक ये ऐसे विल किसी में नजर आ नहीं रही है दूसरा ईरान की बात कर रहे हैं ईरानी लीडर्स पहले बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे तयगान बहुत बड़े, बड़े बड़े बयान दे रहे थे कतर की की से जो मजाकरात की कोशिश की जा रही थी वो सब खत्म हो रहा है और अभी भी जो जंग बंदी आ रही है वो सिर्फ रमजान के महीने के लिए की जा रही है उसके अलावा सीरियस कोशिश की है वो परमानेंट नहीं कोशिशें सिर्फ रमजान के महीने के लिए की जा रही है एक बात ये याद रखिए राइट एक तो ये कि कोई भी ना बोले राइट और कोई एक, एक दो चार बोल पड़े तो उनको, उनको उनका क्रेडिट देना चाहिए बिल्कुल ठीक हो गया थैंक यू सो मच बुखारी साहब नाजिन ये था हमारा आज का प्रोग्राम आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह